इस एतबार से अच्छा इस महीने के कसीर इस रात के शब बारात के जो है कसीर फवायद के असरात के हवाले से मैं चाहूँगा, चूँकि ज़ाहिर है कि हम कोई भी शब कद्र हो, शब बारात हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, हम उसको रिवायती तौर पर रस्मन ले लेते हैं, उसके असरात के हवाले से कोई इरशाद फरमाइएगा। देखिए, शब बारात या कोई भी बड़ी रात है, हमें उसको रस्मन नहीं लेना चाहिए, बल्कि एक बाकायदा तौर पर इबादत के तौर पर गुजारना चाहिए और काम भी वही करने चाहिए कि जिन कामों के करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम अता फरमाई है। तो हमें सिर्फ रस्मी नहीं बल्कि बाकायदा तौर पर एहतमाम के साथ, एहतशाम के साथ, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत बयान किया कि अगरचे आकायद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ ले गए कब्रिस्तान, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मरतबा जाना ही जो है वो इस बात पर दलालत करता है कि ये सुन्नत मुबारका है। इसलिए उस सुन्नत को जो है वो हमें एहतमाम और एहतशाम के साथ मनाना चाहिए। हाँ, उस पर एक गुजारिश करूँगा, जैसे आपने कहा कि रस्मन किया जाता है, कब्रिस्तान के अंदर मेले ठेले न लगाएं, वहाँ पर इतना शोर शराबा और जनाब लाइटें लगाई हुई हैं और सब पार्टियों ने अपने अपने वो इस्तकबालिये कैंप लगाए हुए हैं और इतना बगदम दौड़ और एक मेले का समा, ये मेला नहीं है बल्कि ये तो इबरत के लिए अच्छा हमें कब्रिस्तान जाना है और एक तो अपने मरहूमीन के लिए ये साल करना है, दूसरा हमें भी याद करना है कि हमें यहाँ पर आना है, इसलिए इसको रस्मन न बनाए बल्कि बाकायदा तौर पर इबादतन। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि चूंकि असली तनाजुर से हम हट नहीं सकते, जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से फरमाइएगा कि चूंकि ज़ाहिर कोरोना के सबब हर शख्स परेशान है और माह रमज़ान जिस माहौल में आ रहा है उसमें मुमकिन तौर पर वो इकदाम हो सकते हैं, ये फरमाइएगा कि तौबा और इस्तगफार से क्या ये जो आफात हैं, बलाइयात हैं, हम इससे जो है वो महफूज रह सकते हैं, ये क्या इस हवाले से बताइएगा, चूँकि शब बारात की भी आमद है और ये सूरत हाल भी आपके सामने। देखिए, शब बारात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता ही इसलिए फरमाई है, उसकी जो मरकज़ी चीज़ है वो यही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात के अंदर बंदा अल्लाह के बारगाह के अंदर इस्तिग़फ़ार करे, ठीक है, अल्लाह के बारगाह के अंदर तौबा करे। वैसे तो जब भी तौबा करें, हर रात में तौबा करें, सुबह तौबा करें, शाम को तौबा करें, लेकिन ख़ास तौर पर ये गोल्डन चांसेस होते हैं जब अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी रहमतों का नुज़ूल होता है, लैलतुल क़द्र के अंदर, शब बारात के अंदर, रमज़ानुल मुबारक के अंदर, नुज़ूल कुरान के मौके पर, तो फरमाए इसके अंदर ख़ास तौर पर इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और यकीनन इस्तिग़फ़ार की जो बरकतें होती हैं रईस भाई, इतनी वसी हैं कि अगर कोई बंदा कुछ और ना करे, वो सिर्फ इस्तिग़फ़ार ही करता रहे ना, तो उसके दीनी और दुनियावी इतने फ़वाइद हैं, इतनी बरकतें हैं, जो कुरान ज़ीशान ने खुद जिक्र फरमाए कि फ़कुल तस्तग़फ़िरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ़ारा, क्या बात, युरसिलु अस्समा अलैकुम बिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। फरमा रब तबारक व तआला तुम्हारे मालों में, तुम्हारी औलादों के अंदर बरकतें फरमाएगा, तुम्हारी रोजियों में बरकतें फरमाएगा, आसमान से तुम्हारे लिए बारिशें नाजिल होंगी। अमल क्या है? अमल एक है, इस्तिग़फ़ार करना। तुम इस्तिग़फ़ार करोगे, असा रब्बुकुम अय्युकफ़िर अनकुम सय्यातिकुम व युदख़िलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। आखिरत के अंदर तो उसका यह है कि रब तबारक व तआला उसकी बरकत से तुम्हारे तमाम गुनाहों को महवो माफ़ फरमा देगा। बल्कि यहाँ पर सूरह तहरीम के अंदर रब कायनात ने फरमाया कि तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, दूसरे मकाम पर मुझे याद पड़ रहा है सूरह फुरकान के अंदर रब कायनात ने फरमाया। अच्छा, सूरह फुरकान के हवाले से भी हम आपसे लेंगे, एक वक्फा हायल हो गया, लेकिन चूंकि मौजू ऐसा है ना, शब निजात के हवाले से बात हो रही है, शब बारात के हवाले से बात हो रही है, शब तौबा के हवाले से बात हो रही है, तो ये कलमात इंतहाई अहम है जो आप तक पहुँचाने हैं, लेकिन हायल है वक्फा, वक्फे के बाद लौटते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। अब आपका खैर मकदम है, अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में तौबा और इस्तग़फ़ार, वैसे तो उमूमी तौर पर इंसान को हर लम्हे तौबा और इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने मौके फराहम किए हमें, जैसे कि अब आने वाली जो रात है यानी कि शब बारात के हवाले से क्या फरमाइए। मैं जल्दी से एक मिनट के अंदर उमर इकबाल अज़हरी साहब सूरह फुरकान के हवाले से अर्ज कर रहा था कि सूरह तारीम के अंदर फरमाया कि सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा, सूरह फुरकान के अंदर इससे बढ़कर फरमाया
वहां गुनाहों की माफी का फरमाया, या फरमाया उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, न सिर्फ गुनाहों को माफ किया जाएगा बल्कि उन सय्यात को हसनात से तब्दील कर देगा। कितना बड़ा है कि सय्यात देखी हुई उनको बिटा के हसनात नेकियां सारी की सारी दर्ज किया जाए। दूसरा फायदा यह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दिल पर स्याह नुक्ता लग जाता है, जब इंसान इस्तिगफार करता है तो रब तबारक व तआला जो है उसके स्याह उस ब्लैक स्पॉट को, स्याह नुक्ते को रब तबारक व तआला साफ कर देता है। तो आप दीनी देखें, दुनियावी देखें, उखरवी देखें, रोजी में बरकत, माल में बरकत, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल, और खास तौर पे मैं कहूंगा रईस भाई, जी जी आपने पूछा है, हमारी बहनें भी सुन रही हैं, सब लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह के अंदर एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरी औलाद नहीं है। आपने फरमाया कि इस्तिगफार पढ़ा करो, इस्तिगफार किया करो। एक और शख्स आया, कहा हुजूर इस साल हमारे यहाँ बागों के अंदर फल नहीं हुए। तो आपने फरमाया इस्तिगफार किया करो। एक दूसरा शख्स आया, उसने कहा कि हजरत दुआ फरमाया अल्लाह तबारक वताला रोजी बरकत। आपने फरमाया इस्तिगफार किया करो। तो एक आदमी बैठा हो तो उसने कहा हुजूर ये तीन बंदे आए, तीनों के मुख्तलिफ उमूर थे, आपने सबको एक ही वजीफा दे दिया। जी जी। आपने फरमाया कि ये मैंने नहीं दिया, मेरे रब ने इसी तरह आता। फिर आपने यही आयत करीमा पढ़ी, तो अगर कोई चाहता है कि उसकी रोजी में बरकत हो, अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों पर रहमतों का नुजूल फरमाए, तो उसका एक ही तरीका है कि अल्लाह ने हमें इस्तिगफार की रात अता फरमाई है। इसका सबसे बड़ा काम यह है कि अल्लाह के बारगाह के अंदर इस रात में गिड़गिड़ा कर इस्तिगफार करें। लेकिन वही बात कहूंगा जो मुफ्ती साहब ने कही कि यह नहीं कि आप मस्जिद के अंदर सफेद टोपी सफेद कपड़े पहन के आकर बैठ के हजरत दुआ फरमाइए, पीर साहब दुआ फरमाइए, अल्लामा साहब दुआ फरमाइए, और उधर घर में आपका जो बड़ा पीर है और जो बड़ा है वालिदैन, उनसे आप बदतमीजी करके आए तो कुछ भी नहीं होगा, फरमाया कुछ भी तुम्हारा कबूल नहीं होगा। दूसरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पीर के दिन और जुमेरात के दिन मन्नू के नामा अमाल पेश किए जाते हैं हफ्तावार, शबे बरात के अंदर सालाना पेश किए जाते हैं। फरमाया अगर किसी ने किसी मुसलमान से कतई रहमी की हुई है, फरमाया कि उसके बारे में कहा जाता है उतरकु बिहाज़ैन, रब कायनात फरमाता है फरिश्तों के इनके हमारे माल को फेंक दो उठा के। फरमाया जब तक ये मिलेंगे नहीं, रब तबारक व तआला नजर रहमत भी नहीं फरमाता, उनके आमाल भी कबूल नहीं। तो कहीं ऐसे ना हो कि हम तस्बीहात पढ़ते रहें और हम गिनतियां करते रहे कि मेरे इतने नवाफिल हो गए, मेरी इतनी तस्बीह हो गई है, और उधर ये सारे के सारे मामूलात ऐसे हों कि वालिदैन से बदतमीजी, कतई रहमी की हुई है, लोगों के हक मारे हुए हैं और गलत कम। जब तक आप सिदके दिल से तौबा नहीं करेंगे और इन मामलात को पूरा नहीं करेंगे, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस बड़ी रात आने से पहले पहले अपने मुरीदीन को खत खत दिखा करते थे कि अगर किसी के साथ कोई मामला है उसको साफ कर लो, उसको अच्छा कर लो। अच्छा हमारे यहाँ तो आजकल ये है कि उसूल बरकत के लिए एक मैसेज दिखा, अच्छा पता भी नहीं 500 आदमी ए बटन दबाया, चल भाई सबकी बख्शिश हो, मैंने माफी मांग ली। देखो माफ नहीं करोगे गुनाहगार हो गए, मैंने माफी पता भी नहीं आपको भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपने जिसका हक मारा है वो हक देना पड़ेगा, जिसके साथ जो मामला है, जिसके साथ जो चीज है, आपके अंदर ना नदामत है, ना शर्मिंदगी है, ना मुझसे माफी मांगना चाहते हैं। उसूल बरकत के लिए आपने जो है ना एक डिजिटल मैसेज माफी का जारी कर दिया, इससे नहीं होगा। माँ बाप को राजी कीजिए, अजीज व अकारिब के साथ सुले रहमी करें, फिर रब तबारक व तआला की रहमतों के हकदार बन। देखिए हमने सवाल यही किया था कि आफात और बलायात, ये जो आफतें हैं, ये आजमाइशें जो हैं, ये इस्तगफार के जरिए किस हद तक हमें इसमें मदद मिल सकती है कि हम इससे बचे रहें। बहुत अच्छी बात है, तौबा इस्तगफार से सिर्फ ये नहीं आफात और बलायात, बल्कि आप ये समझ लें रहमतों का नज़ूल, अल्लाह ताला की बारगाह से हम जो कुछ तलब करना चाहते हैं वो सब मिल सकता है। लेकिन चूंकि हम इस्तगफार से दूर हैं इसलिए हम किसी से कहते दुआ कर दें, किसी से कहते तावीज़ कर दें, किसी से कहते ये कर दें, असल बात यही कि हम उन तालीमात से दूर हैं। नाज़रीन अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।